डेप्रिसिएशन का मीनिंग कर लिया, डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्रीज कर ली, उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन मेथड का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि करना क्या है। एक आइडिया दे देता हूँ, एसेट्स हम खरीद रहे हैं, कोई भी एक एसेट हो सकता है, हो सकता है मशीन खरीद रहे हो सकता है फर्नीचर खरीद रहे हो सकता है प्लांट खरीद रहे हो सकता है कंप्यूटर खरीद रहे हो सकता है ट्रक खरीद रहे हो, कोई भी एसेट हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट फिक्स्ड एसेट होना चाहिए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होगी कि हमने कुछ मल्टीपल एसेट्स खरीदे, कब खरीदे हम आपको बता देते हैं, कितने साल यूज करे वो हम आपको बता देते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उस पे क्या था वो हम आपको बता देते हैं। आपको बस बताना है कि जब हम बुक्स क्लोज करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जब बुक्स क्लोज करते हैं तो बैलेंस शीट पे हम दिखाएंगे ना एसेट की वैल्यू तो कितनी दिखाएं, और जब एसेट बेच रहे हैं तो उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जब हम एसेट परचेज करते हैं अमिताशा, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अमिताशा? अमिताशा का डिस्कनेक्ट हो गया। सुहानी आप बताओ, जब हम एसेट परचेज करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल वेरी गुड। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम मतलब उसको एसेट मान रहे हैं, तो एसेट मान रहे हैं तो मतलब एक्सपेंस नहीं मान रहे, बैलेंस शीट में एसेट ले जाएंगे, लेकिन वो एसेट यूज तो हो रहा है हर साल। तो जैसे जैसे वो एसेट यूज होता रहे होता जा रहा है, हर साल हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी हर साल वो हमें इस चैप्टर में कैलकुलेट करना सीखना है, और प्रेजेंट कैसे करेंगे एसेट को वो करना सीखना है। तो आपसे वो मांगेंगे एसेट का अकाउंट, तो और कुछ नहीं, आप एसेट का लेजर अकाउंट ही बना रहे हो, जो चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है, बस 2 साल 3 साल 4 साल की कहानी आप एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करके दिखा रहे हो। पहले हम इसका लॉजिक समझेंगे कि अकाउंट्स ना होता तो हम क्या कर रहे होते, फिर हम उसको अकाउंट्स में डाल के दिखाएंगे। बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, बस कहानी समझ आनी चाहिए, डेट्स का ध्यान रखना है, कब आप एसेट खरीद रहे हो कब आप एसेट बेच रहे हो। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? ऑन 1 अप्रैल 2015 ए लिमिटेड परचेज द मशीन फॉर ₹2,40,000 एंड स्पेंट ₹10,000 ऑन इट्स इरेक्शन। इरेक्शन मतलब इंस्टॉलेशन। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो पहली डेट क्या हो गई, 1 अप्रैल 2015 क्या खरीदा आपने, M1। ऑन 1 अक्टूबर 2015 एन एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग ₹1,00,000 वॉज परचेज। एक और एसेट खरीदा आपने 1 अक्टूबर 2015 क्या खरीदा, M2 खरीदा, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2017 द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 वॉज सोल्ड फॉर ₹1,43,000। 1 अक्टूबर 2017 को क्या हुआ, जो एसेट आपने 1 अप्रैल 2015 को खरीदा था, M1 की बात हो रही है, वो आपने बेच दिया। एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2,00,000। तो ये कब, M3 खरीदा, कब खरीदा, 1 अक्टूबर 2017 को। तो तीन एसेट्स खरीदे, हमेशा हमेशा ये लिख लेना चाहिए वर्किंग नोट में ना, परचेज ऑफ मशीनरी, गलती नहीं होती इससे। कब खरीदा, परचेज ऑफ मशीनरी, पहला खरीदा 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015। इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है, इसका फाइनेंशियल ईयर है 15-16। कितने का खरीदा आपने, 2,40,000 प्लस 10,000, 2,50,000 का खरीदा, 2,40,000 प्लस 10,000, 2,50,000 का खरीदा। फिर आपने एक और एसेट खरीदा 1 अक्टूबर 2017
2015, ये कब खरीदा, ये भी सेम ईयर में आता है 15-16, ये कितने का खरीदा था, सेकंड एसेट आपने खरीदा था 1 लाख का, ठीक है। फिर आपने एक और एसेट खरीदा था, थर्ड एसेट कब खरीदा था, 1 अक्टूबर 2017, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है, 17-18, और वो कितने का खरीदा था हमने, 2 लाख का खरीदा था, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल कब हुई, तो एक ही एसेट आपने बेचा है, वर्किंग नोट नंबर 2, अगर वर्किंग नोट नंबर 2 की बात करें तो सेल ऑफ मशीनरी कब हुई है, 1 अक्टूबर 2017, ये कब आता है, 17-18, क्या बेचा, M1 बेचा, कितने का बेचा, 1,43,000 का बेचा। तो पहले तो ये इंफॉर्मेशन समझ आनी चाहिए, कब कब आपने एसेट खरीदा और कब आपने एसेट बेचा, तो क्वेश्चन रीड करके हमें पता चल जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज देखनी चाहिए कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, शो द मशीनरी अकाउंट। तो 99% क्वेश्चन में आपको सिर्फ एसेट अकाउंट ही बनाना होगा, कैसे बनाना है वो एक क्वेश्चन में भी समझ आ सकता है, अगर ध्यान से सुनोगे समझ आ गया तो बेटा पूरे चैप्टर में आप एक ही चीज कर रहे होगे, बस प्रैक्टिस करनी होगी कैलकुलेशंस की, स्पीड बढ़ाने की, अदरवाइज एक ही चीज हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड से डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट से करनी है। तो क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट फॉर द 1st 4 फाइनेंशियल ईयर्स, उसने खुद ही बता दिया फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1st April to 31st March, after charging depreciation at 5% per annum straight line method, method of charging depreciation क्या है, straight line, rate of depreciation क्या है, 5%। अब मैं कह रहा हूं कि अकाउंट कैसे बनेगा, एक मिनट के लिए साइड कर देते हैं, आपको बेसिक समझ आया लॉजिक अगर ये कि हमने करना क्या है, तो बेटा बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं अकाउंटिंग को साइड करके आपसे पहले एक सिंपल कहानी, मैं बोलता हूँ कि हमें ना अकाउंट्स बनाने नहीं आते, तो आप क्या करते कि आपके पास 3-3 मशीन्स हैं, कुछ आप साल 4 साल का हिसाब मैं आपसे मांग रहा हूं, उसमें से एक मशीन आप बेच रहे हो, तो आप हिसाब किताब कैसे करते, भूल जाते हैं कि हमें रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आते हैं, जनरल नॉलेज तो आती है, तो हम क्या करते कैसे कैलकुलेशन करते, पहले वो समझते हैं। वो समझ आ गई ना, तो ये समझ आएगा कि अकाउंट्स में भी वही हो रहा है, बस डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये यहाँ दिखाना है, ये वहां दिखाना है, सिर्फ प्रेजेंटेशन हम बेटर कर रहे हैं, वरना है बड़ी ही लॉजिकल सी बातें, कॉमन सेंस की बात है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन होगा कैसे। तो अब इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको लॉजिकल तरीके से कराऊंगा कि डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इस चैप्टर में हमने सीखना क्या है, फिर मैं आपको जो क्वेश्चन की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है मशीनरी अकाउंट बना के दिखाऊंगा। अब मुझे इन्फॉर्मेशन जो चाहिए बस यही कि मैंने मशीनरी कब कब खरीदी है, ठीक है, फर्स्ट मशीनरी खरीदी है 1st April 2015, तो ईयर 15-16। तो एक वर्किंग नोट अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्वेश्चन में आपने नहीं बनाना, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहली ट्रांजैक्शन कब हुई, 1 अप्रैल 2016, चेक कर लेते हैं डेट, 15 है 16 है, 1 अप्रैल 2015, तो 1 अप्रैल 2015, इसमें भी क्या कर लेते हैं, अभी क्या चल रहा है, ये जो ईयर क्या है 2015-16 में क्या हुआ, आपने एक मशीन खरीदी 2,40,000 की, 10,000 उसके इंस्टॉलेशन पे लगे, तो 2,50,000 की आपने फर्स्ट मशीनरी खरीदी। अब 15-16 में अगर आपने 1 अप्रैल को कोई एसेट खरीदा है, रूल क्या है डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द एसेट हैज बीन यूज्ड। ध्यान से देखना, एक छोटा सा रूल बताता हूं, डेप्रिसिएशन
will be calculated on the basis of the number of months, the number of months for which the asset was used in that particular year. क्योंकि हो सकता है कि आप एसेट साल के बीच में खरीद रहे हो, तो डेप्रिसिएशन उस हिसाब से कैलकुलेट होगी. एक इस चीज का ध्यान रखना है. दूसरा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कब होती है? डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एक एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो क्लोजिंग कब होती है? ईयर एंड. और दूसरा, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट. एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट. तो डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होगी? कितने, मतलब जितना टाइम आपने यूज करा है. फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 अप्रैल को ही एसेट परचेज कर लिया, तो 15-16 में तो बेटा आपने पूरे के पूरे 12 महीने यूज किया होगा, तो डेप्रिसिएशन 12 महीने की लगेगी. लेकिन M2 परचेज कब किया था? ध्यान से देखना. M2 परचेज किया था 1 अक्टूबर 2015. तो 1 अक्टूबर 2015 को क्या हुआ? ध्यान से देखना. 1 अक्टूबर 2015 आपने M2 खरीदा. M2 कितने का खरीदा? 1 लाख का. तो क्या आपके पास M3 उस ईयर था? M3 कब खरीदा है चेक कर लेते हैं. M3 खरीदा है 1 अक्टूबर 2017 में जाके. अब अगर मैं आपसे पूछता कि आप नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे हो, नॉर्मल हिसाब किताब कर रहे हो, अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं कर रहे, किस दिन एसेट खरीदा है, ये तो समझ आ रहा है क्वेश्चन देख के सुहानी? Yes, sir. अभी तो बस मैंने इंफॉर्मेशन कॉपी करी है. अभी तक कोई डाउट? No, sir. ठीक है. M1 15-16 जो ईयर है, 15-16 M1 कितने महीने के लिए यूज हुआ होगा? Sir, 12. वेरी गुड. पूरे के पूरे 12, क्योंकि वो 1 अप्रैल को खरीदा था. M2 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. M2 कितने महीने के लिए यूज हुआ होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 6 months. तो आपने ये दोनों खरीदे. अब मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा चलो इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. लेस डेप्रिसिएशन M1 की कितने की? 12 मंथ्स की. और M2 की कितने की? 6 मंथ्स की. 12 मंथ्स की क्यों और 6 मंथ्स की क्यों, इसमें कोई डाउट? क्लियर है? डेट ऑफ परचेज पे डिपेंड करेगा कि डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी. तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर 5% है, तो 250,000 का 5% पूरे साल का, तो 12,500 M1 की डेप्रिसिएशन लग जाएगी. और M2 की कितनी लग जाएगी? 1 लाख का 5% फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने की डेप्रिसिएशन लग जाएगी. ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे हुई, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर. पूछ सकते हैं कि अमाउंट कैसे आया? जो 12,500 आया वो था 2,50,000 का 5% फॉर फुल ईयर, तो 2,50,000 इंटू 5%. और जो 1 लाख के ऊपर आया वो था 1 लाख का 5% बट फॉर 6 मंथ्स, तो इसीलिए वो 2,000. 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000. तो वो तो पूरे साल का. लेकिन आपने M2 कब खरीदा था? 1 अक्टूबर को. तो आपका एसेट कितना डेप्रिशिएट होगा 6 मंथ्स के लिए? 2,500. अभी तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर. अब ध्यान से देखना, अभी अकाउंट्स तो यूज ही नहीं हो रही, अभी तो सब जनरल नॉलेज है. ठीक है, ध्यान से देखना. अब जब साल खत्म हुआ तो एसेट की वैल्यू क्या होगी आपके? ये कब है? 31 मार्च
31st मार्च 2016 को ये हिसाब आ रहा है. अभी तक कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, ईयर नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया 16-17 में आपने कोई भी नया एसेट खरीदा? यस सर. 16-17 में कोई भी नया एसेट नहीं खरीदा. जो नेक्स्ट एसेट खरीदा है वो कब खरीदा है? 17. ध्यान से देखो, 15-16, 15-16, 17-18. तो मेरा क्वेश्चन है, क्या 16-17 में कोई भी नया एसेट खरीदा? यस और नो? नो सर. नहीं खरीदा, कोई भी नया एसेट नहीं खरीदा. नया एसेट नहीं खरीदा, लेकिन क्या एसेट डेप्रिशिएट हुए होंगे, यूज हुए होंगे एसेट जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं? यस सर. यस सर. यूज तो हुए होंगे, तो वो डेप्रिशिएट तो होंगे. अब ध्यान से देखना, 1st अप्रैल 2016 को M1 कितना था? 237. M2 कितना था? 97. M3 मेरे पास था नहीं. मैंने कोई नया एसेट नहीं खरीदा, लेकिन डेप्रिशिएट तो हुए होंगे. अब ध्यान से देखना, M1 पे कितने महीने के डेप्रिसिएशन लगेगी सवानी? 16-17 की अकाउंटिंग चल रही है, तो M1 पे कितने महीने यूज करा होगा हमने? 6 months, 12 months, कितने महीने 16-17 में? पहले से पड़ा था मेरे पास एसेट जब साल शुरू हुआ? करेक्ट. तो जो एसेट फर्स्ट को ही मेरे पास पड़ा हुआ है और इस साल मैंने नहीं बेचा, तो पूरे के पूरे 12 मंथ्स यूज हुआ होगा, तो पूरे के पूरे 12 मंथ्स डेप्रिसिएशन लगेगी. अब M2 इस साल तो नहीं खरीदा, पिछले साल खरीदा था साल के बीच में, लेकिन इस साल तो फर्स्ट डेट से मेरे पास पड़ा हुआ है एसेट, तो M2 कितने महीने के लिए यूज हुआ होगा? 12. M2 भी 12 मंथ्स के लिए यूज हुआ होगा सेकेंड ईयर में. क्यों? क्योंकि वो तो फर्स्ट से पड़ा हुआ है. अब ध्यान से देखना, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड. डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड. तो डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट. M1 की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 250,000. तो फिर से क्या निकल जाएगा? 250,000 का 5%. M2 की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? M2 की ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 lakh. तो 1 lakh का पूरा 5% कितना? 5,000. M3 मेरे पास अभी भी नहीं है. अब मेरे क्लोजिंग बैलेंस कब? 31st March 2017. तो अब मेरे एसेट की वैल्यू क्या आ रही होगी? 2,25,000 और 92,500, और M3 मेरे पास है नहीं. मैं इसको जरा फॉर्मेटिंग प्रॉपर कर देता हूँ. ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन. अभी तक किसी को कोई भी डाउट? कोई अमाउंट कैसे निकाला किसी चीज में कोई भी डाउट? बोलो बेटा. ठीक है. नो सर. देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ईयर ऑफ सेल. मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ईयर ऑफ सेल. अब 17-18 स्टार्ट हुआ. अब जब 17-18 स्टार्ट हुआ, तो 1st अप्रैल को मेरे पास पहले से, 1st अप्रैल 2017, M1 की वैल्यू क्या है? 225. M2 की वैल्यू क्या है? 92,500. M3 मेरे पास है नहीं. आपने एसेट कब बेचा? आपने एसेट बेचा 1st अक्टूबर को. आपने एसेट कब बेचा? 1st अक्टूबर को. तो अगर आपने एसेट 1st अक्टूबर को बेचा, तो 6 महीने पहले वो यूज हुआ होगा कि नहीं यूज हुआ होगा? बोलो, बताओ बेटा. आप बताओ, मुझे नहीं पता. हम कब तक का बैलेंस निकाल के बैठे हुए हैं? 1st अप्रैल 2017 का बैलेंस मेरे पास पड़ा हुआ है. एसेट कब बेच रहे हैं? देखते हैं ध्यान से, क्वेश्चन बताएगा.
क्वेश्चन कहता है कि ऑन 1st अक्टूबर 2017 द मशीन परचेज्ड ऑन 1st अप्रैल 2015 वाज सोल्ड फॉर 1,43,000 तो 1st अक्टूबर 2017 को बेचा. अब मैंने आपको रूल्स क्या बताए हुए हैं. डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स फॉर व्हिच द एसेट वाज यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर ईयर. और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कब कब होती है, एक एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग और दूसरा एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट. अब एसेट बेच रहे हैं साल के बीच में, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इफ द एसेट इज सोल्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट एट द बिगनिंग. इफ द एसेट इज सोल्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल के बीच में कभी बेच रहे हैं, फर्स्ट को नहीं बेच रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड फॉर द नंबर ऑफ मंथ्स इट वॉज यूज्ड इन दैट ईयर. उस साल कितने महीने के लिए यूज हुआ उसकी हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी. तो आपने एसेट कब बेचा, 1st अक्टूबर को. तो 1st अक्टूबर को जब एसेट बेचा तो पहले आपको तब तक की डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी. कौन सा बेचा, M1. कब बेचा, 1st अक्टूबर को बेचा. तो 1st अक्टूबर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर. तो 1st अक्टूबर के लिए 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन. ये ट्रांजैक्शन हो कब रही है, ध्यान से देखना. 1st अक्टूबर 2017. तो जो आप एसेट बेच रहे हो तो पहले 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होती है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट. तो 2,50,000 का 5% फॉर 6 मंथ्स ओरिजिनल कॉस्ट पे. तो डेप्रिसिएशन आई 6,250. क्या वैल्यू आई, 6,250 डेप्रिसिएशन आई. तो अब इसकी एसेट की वैल्यू इस दिन क्या होगी, ध्यान से देखना, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, 2,18,750. इसे क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू. क्या है ये, बुक वैल्यू. अब सेम डे को आपने एक और एसेट खरीदा, M3 खरीदा. कितने का खरीदा, M3 खरीदा 2 लाख का. एक सेकेंड सुहानी, अभी आपकी सुनता हूं मैं. 1st अक्टूबर को 2 लाख का खरीदा, 1st अक्टूबर को. तो फर्स्ट मशीनरी कब बेची, 1st अक्टूबर 2017 को. अब ध्यान से देखना, On 1st October 2017, M1 was sold for rupees 1,43,000. M1 was sold for rupees 1,43,000. तो सेल वैल्यू क्या मानी जाएगी, 1,43,000. और बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू होती है वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक वैल्यू है 2,18,750. तो बुक वैल्यू 2,18,750, सेल वैल्यू 1,43,000. तो आपने, तो आपके हिसाब से तो उसकी वैल्यू 2,18,750 थी, आपने बेची 1,43,000 की. तो आपका लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, 2,18,750 माइनस 1,43,000, आपका लॉस हुआ, कैलकुलेट कर लेते हैं, 2,18,750 माइनस 1,43,000, आपका लॉस हुआ 75,750 का. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होने वाला है कि लॉस कैसे निकाला जाए.
तो ऐसे हर साल आपने कोई एसेट खरीदा, फिर वो किस रेट पे डेप्रिशिएट हो रहा है, कौन सा मेथड है, ये कैलकुलेशन आपने करनी है। अब इसको क्लोज करता हूँ अगर मैं थर्ड ईयर को, तो अब ये तो बेच चुके हैं, M1 तो बेच चुके हैं, ध्यान से देखना, M1 तो बेच चुके हैं, तो ये पूरा एसेट गया, ठीक है ना, ये पूरा एसेट गया, कितने का गया 143, बाकी हो गया लॉस, तो ये पूरा एसेट गॉन, अब एग्जिस्ट नहीं करता। M3 खरीदा, कब खरीदा, 1 अक्टूबर को ही खरीदा। अब जब बुक्स क्लोज होंगी 31 मार्च 2017 को, अब जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, तो आपके पास फर्स्ट मशीनरी एग्जिस्ट नहीं करती, फर्स्ट मशीनरी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब अगर डेप्रिसिएशन निकालोगे, डेप्रिसिएशन निकालोगे तो क्या बचा है आपके पास, M2 और M3। तो M2 की डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी उसकी, 1 लाख, 1 लाख का 5% क्या होता है, 5000। M3 की डेप्रिसिएशन, M3 इस साल खरीदी है, तो M3, एक सेकेंड, M3 की डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, 6 मंथ्स के हिसाब से 2 लाख का 5% 10,000 होता है, 10,000 का हाफ 6 मंथ्स के हिसाब से 5,000 होता है, क्या है ये, M3 की डेप्रिसिएशन। तो बैलेंस ऑन 31 मार्च 2017 क्या हो जाएगा, M1 तो भैया 0, M2 कितनी बची है, 92,500 माइनस डेप्रिसिएशन है, माइनस 5,000, और इसके डेप्रिसिएशन भी माइनस 5,000। तो ये कैलकुलेट करना हमें इस चैप्टर में दिखाना है कि अकाउंटिंग फॉर्म में, ये तो हो गई लॉजिकल कैलकुलेशन, ये जो मैंने आपको दिखाई ये तो बस अंडरस्टैंडिंग कि हम और कुछ नहीं कर रहे, वेरी वेरी बेसिक कैलकुलेशन कि हमने एसेट खरीदा, फिर एसेट डेप्रिशिएट हुआ, 1 साल यूज हुआ, 2 साल यूज हुआ, 3 साल यूज हुआ, फिर हमने बेचा, तो बताओ उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये और कुछ नहीं बेसिक कैलकुलेशन है। फोर्थ ईयर भी करना है इसको, लेकिन लॉजिक तो समझ आ गया होगा। अब मैं आपको प्रॉपर अकाउंट्स में करके दिखाऊंगा कि अगर मैं इसके लेजर अकाउंट बनाऊंगा, जो कि एक्चुअली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो यही कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम चीज हमें प्रेजेंट कैसे करनी है वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो अगर लॉजिकल पार्ट समझ आ जाए तो बेटा अकाउंटिंग पार्ट और आसान हो जाता है, क्योंकि हमें बस उसको एक अकाउंटिंग शेप देनी होती है रूल्स के हिसाब से। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्वेश्चन की तो रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। अब मैं सेम चीज आपको एसेट अकाउंट में पुट करके दिखाऊंगा। मशीनरी अकाउंट एसेट अकाउंट है, एक लेजर अकाउंट है। एसेट का रूल क्या होता है, ऑल इंक्रीजेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड, All decreases are shown on the credit side. Increases, asset बढ़ेगा तो debit side, asset कम होगा तो credit side. ये मशीनरी का ledger account है, but 4 सालों का, तो आराम से एक एक करके जब हमने asset खरीदा, पहला asset कब खरीदा, April 1 को, तो asset खरीदा, मशीनरी खरीदी, journal entry क्या होती है, मशीनरी account debited to bank account. तो अब asset के point of view से अकाउंटिंग के रूल्स के साथ क्या खरीदा हमने, M1 खरीदा 2,40,000 का, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन पे कुछ खर्चा हुआ, तो हमें ब्रैकेट्स में ऐसे ऐड करके दिखा देना चाहिए। तो M1 खरीदा 2,50,000 का। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना बेटा, सारा खेल प्रेजेंटेशन का है, लॉजिक तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर अपने आपसे पूछना चाहिए कि आप 15-16 में और कोई ट्रांजैक्शन हुई, बिल्कुल हुई। अक्टूबर 1 को आपने एक और एसेट खरीदा टू बैंक अकाउंट, अब ब्रैकेट्स में लिखेंगे M2। M2 कितने का खरीदा था, 1 लाख का। तो वैल्यूज का बस ध्यान रखना, डेट्स का ध्यान रखना। क्या 15-16 में और कोई ट्रांजैक्शन हुई, नहीं, ना तो आपने कोई और एसेट खरीदा ना 15-16 में कोई एसेट बेचा।
तो अब मुझे बुक्स क्लोज करनी है 15-16 की, तो हमने डेप्रिसिएशन का रूल सीखा था कि डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होगी, डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ द बुक्स ईयर एंड और एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट। तो अभी बुक्स तो क्लोज हो रही है, एसेट नहीं बेच रहे, लेकिन ईयर एंड तो आ गया तो बुक्स क्लोज करनी है। दूसरी चीज, डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द एसेट वॉज यूज इन दैट ईयर। तो M1 तो पूरे 12 महीने यूज हुआ, लेकिन M2 तो 6th अक्टूबर को खरीदा था। ध्यान से देखना, डेट क्या है, March 31st, क्लोजिंग March 31st, फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, March 31st। अब डेप्रिशिएट करना है एसेट, तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट, एसेट क्रेडिट हो रहा है, तो एसेट के क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन। तो जर्नल एंट्री फ्रेम करेंगे माइंड में पहले, फिर देखेंगे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट साइड, एसेट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड, एसेट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड। किस वजह से हो रहा है, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब वर्किंग करेंगे तो बेटर रहेगा। M1, M1 की डेप्रिसिएशन क्या है, 250,000 इनटू 5% फुल ईयर के लिए। तो बस आपकी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, 12/12 लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी रेफरेंस के लिए। तो 250,000 का 5% कितना कैलकुलेट हुआ था, 12,500, ठीक है। M2 की डेप्रिसिएशन कितनी थी, M2 1 lakh का 5% into 6/12। तो कॉलम प्लीज थोड़े ऐसे बनाना, उसके नीचे लिख देना आप, लेकिन ये कैलकुलेशन दिखानी चाहिए। तो 1 lakh का 5% 5,000 होता है, 5,000 का हाफ 2,500, तो उस पीरियड की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 12,500 प्लस 2,500, तो टोटल डेप्रिसिएशन 15,000। अब बुक्स क्लोज कर रहे हैं तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट क्या है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। M1, M1 2,50,000 का ओरिजिनली था, उस पे कितनी डेप्रिसिएशन लग गई, M1 2,50,000 का आपने खरीदा था, इस साल उस पे आपने कितनी डेप्रिसिएशन लगा दी, 12,500, तो कितनी वैल्यू आ गई, 2,37,500। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, मैं बस आपको दिखाने के लिए कि कैसे निकाल रहे हैं एक दो बार करके दिखा रहा हूं। M2 1 lakh का खरीदा था, उस पर डेप्रिसिएशन लगी 2,500, तो M2 की वैल्यू क्या है, 97,500। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखेंगे तो फर्स्ट ईयर के एंड पे 31st March 2016 आपके पास दो मशीन्स पड़ी हुई हैं, M1 की वैल्यू 237,500, M2 की वैल्यू 97,500, टोटल मशीनरी 3,35,000। लेजर अकाउंट जैसे क्लोज करते हैं, यहाँ पे आप इसका टोटल निकाल लेंगे। डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच करने चाहिए, अगर मैच कर रहे हैं तो आपने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं करा है। तो जब हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे थे, बेसिक कैलकुलेशन कर रहे थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ये कैलकुलेशन तो हम वैसे भी कर सकते थे, तो लेकिन हमें अकाउंट्स बनाने हैं, हिसाब किताब हवा में नहीं रखना, तो प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे तो ये मशीनरी अकाउंट है, इंफॉर्मेशन सेम दे रहे हैं दोनों, तो लॉजिक तो बहुत ही सिंपल है, बस उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में देना है। अब नेक्स्ट ईयर क्या है, 2016-17, नेक्स्ट ईयर क्या है, 2016-17। तो जब 16-17 स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखना, तो अप्रैल 1 जब साल स्टार्ट हुआ तो पहले से टू बैलेंस बीडी, आपके एसेट की वैल्यू क्या थी, M1 M2, इनर कॉलम में पहले ये लिखना चाहिए 237 और 97,500। तो टोटल एसेट्स आपके पास स्टार्टिंग में कितने थे, 3,35,000। ओके, 16-17 में कोई भी नई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो जाके 17-18 में हुई है। 16-17 में कोई नया एसेट नहीं खरीदा, ना ही कोई एसेट बेचा,
लेकिन लेकिन आपने एसेट यूज तो करा होगा, एसेट यूज करा है तो एसेट डेप्रिशिएट तो हुआ होगा, तो 16-17 में आप सिर्फ क्या दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, उस साल हमने कुछ नया नहीं खरीदा लेकिन एसेट यूज तो हुआ होगा, तो बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक एक करके M1, अब दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, मेथड आपको पता ही है, आप कैलकुलेशन बस दिखा देंगे, बट स्ट्रेट लाइन मेथड है। चलो गलती ना हो फिर से लिख के दिखाता हूँ। स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल कॉस्ट फिर से 250,000 का 5%, तो 250,000 का 5% क्या था, 12,500। अब ध्यान रखना है M2, पिछले साल आपने साल के बीच में खरीदी थी, इस साल तो पूरे साल यूज हुआ, तो 1,00,000 का 5%, 5,00,000 इस साल की डेप्रिसिएशन। तो इस साल टोटल डेप्रिसिएशन कितनी रही, 17,500। अब जब क्लोज करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस एसेट का कितना आया, March 31st बाय बैलेंस कैरेट डाउन। M1 कितने का है, जब साल शुरू हुआ तो 2,37,500 का था, इस साल डेप्रिसिएशन लगी 12,500, तो अब कितने की वैल्यू आ जाएगी, 2,25,000। M2 97,500 का था जब साल शुरू हुआ, डेप्रिसिएशन लगी 5,000 की, तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 92,500। तो टोटल एसेट्स की वैल्यू क्या आ रही है, टोटल वैल्यू आ रही है 3,17,500। अभी तक किसी को कोई भी डाउट, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, दो साल का हो गया 16-17, नेक्स्ट ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर होता है ईयर ऑफ सेल 17-18। ध्यान से देखेंगे बेटा 17-18 में क्या हुआ, पहले तो साल स्टार्ट हुआ अप्रैल 1, टू बैलेंस बीडी, पहले से एसेट कितना पड़ा था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेजर अकाउंट बन रहा है, तो M1 का बैलेंस क्या था, 2,25,000, M2 का बैलेंस क्या था, 92,500, म्यूट कर लो बेटा जिसका भी नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास इतना एसेट पड़ा हुआ था 17-18 में, और 17-18 में क्या हुआ, 1st October 2017 को मैंने M1 बेच दिया, बट बेटा पहले वो यूज तो हुआ होगा उसके बाद बेचा होगा, क्योंकि 1st April को बेचते तो 1st April की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड है, लेकिन आपने बेचा 1st October को, तो पहले आपने एसेट यूज करा होगा 6 महीने, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, 1 October तक डेप्रिसिएशन निकलेगी M1 की बाय डेप्रिसिएशन। तो ये आपको रूल्स में बताया था मैंने, इसीलिए रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। रूल्स में क्या बताया था कि डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग एंड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट। कब सेल ऑफ द एसेट, इफ द एसेट इज सोल्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, अगर तो फर्स्ट को बेचते तो प्रॉब्लम नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर इन द मिडल ऑफ द ईयर, 2-3-4-6 महीने यूज करने के बाद अगर बेचा, एडिशनल डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड फॉर द नंबर ऑफ मंथ्स इट वॉज यूज इन दैट ईयर। तो इस साल आपने 6 महीने के लिए यूज करा, कौन से एसेट की बात हो रही है, M1। M1 कितने का है, 2,50,000 का था, 5% उसके डेप्रिसिएशन 6 महीने की निकालनी है, तो 2,50,000 का 5% निकाल देते हैं, 2,50,000 का 5% इंटू 6/12, 2,50,000 का 10% कितना होता है, 25,000, 5% कितना हो जाएगा, 12,500, उसका आधा कितना हो जाएगा, 6,250, सिंपल। तो मैं एक ही एसेट था तो मैं इसको डायरेक्टली बाहर दिखा सकता हूँ, क्योंकि 6th month में थोड़ी ना दो निकाल रहे हैं, तो पहले आप निकालोगे डेप्रिसिएशन टिल डेट। अब आपने एसेट बेचा, अब ध्यान से देखना प्रेजेंटेशन, ध्यान से देखना प्रेजेंटेशन, एसेट बेचा तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट
प्रॉफिट लॉस को एक मिनट के लिए साइड कर देते हैं, एसेट जा रहा है कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, क्या आएगा बाय बैंक अकाउंट। इस चैप्टर में एसेट परचेज सेल सारी एंट्रीज अज्यूम करते हैं कि बैंक के थ्रू होंगी, आप बैंक के थ्रू करना, ये अजम्पशन सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड है, जर्नल के अपने रूल्स वही रहेंगे, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे आती है सेल वैल्यू, यहाँ पे क्या आती है सेल वैल्यू, कितने का बेचा 1,43,000। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ये दिखाना चाहिए, कंपल्सरी वर्किंग नोट है, तो जो नंबरिंग चल रही थी वो चल रही थी, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट, जो आपने एसेट बेचा उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो दो चीजें कंपेयर करनी चाहिए, एक बुक वैल्यू क्या थी ऑन द डेट ऑफ सेल ऑन 1st October 2017, तो जब साल शुरू हुआ, तो 2,25,000 वैल्यू थी, जब साल शुरू हुआ तो वैल्यू थी 2,25,000, इस साल 6,250 डेप्रिशिएट हुआ तो उसकी वैल्यू क्या रही होगी 2,25,000 माइनस 6,250, 2,25,000 ही थी ना, हाँ 2,25,000 माइनस 6,250 तो कितनी थी वैल्यू 2,18,750, ये क्या थी बुक वैल्यू। आपने कितने का बेचा सेल वैल्यू, सेल वैल्यू थी 1,43,000, आपका क्या हुआ हल्का सा लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ 2,18,750 माइनस 1,43,000, तो लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस होता है बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू, बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। अब लॉस एसेट में क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, ये ध्यान रखना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है यहाँ पे, जितना भी आपका लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ था 75,750। अब ध्यान से देखना बेटा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक चीज बस वेरीफाई करा रहा हूँ, मेन पार्ट हो चुका है, 2,25,000 का एसेट था M1, कम हो गया गया तो 6,250 डेप्रिशिएट हो गया, बचा 2,18,750, तो अगर ऐड करेंगे 143 और 75,750 तो आता है 2,18,750, जितने का बिका क्रेडिट, जितना लॉस हुआ क्रेडिट। जर्नल एंट्री हमने क्या सीखी थी, जर्नल एंट्री हमने सीखी थी अगर हम देखेंगे तो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट बैंक अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, टू फिक्स्ड एसेट, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय बैंक अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वही चीज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं एसेट के लेजर अकाउंट में। सेल ऑफ द एसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब ध्यान से देखना, इस डेट पे हमने एक और एसेट खरीदा तो वो तो इंक्रीज इन एसेट है, डेबिट साइड पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, क्या है ये M3, क्या है ये M3 कितने का खरीदा था हमने 2,00,000 का, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर उसको डेप्रिशिएट कर देंगे March 31st बाय डेप्रिसिएशन। M1 जा चुका है तो M1 तो एग्जिस्ट करता नहीं, M2 की डेप्रिसिएशन सेम 1,00,000 का 5%, तो कितना आ जाएगा 5,000। M3 का क्या हो जाएगा, इस साल खरीदा है 2,00,000 का 5% फॉर 6 months, अगेन क्यों 6 months, क्योंकि आपने अक्टूबर में खरीदा है, तो 2,00,000 का 5% होता है 10,000, 10,000 का हाफ हो जाएगा 5,000, तो उस पीरियड की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई 5,000, उस M3 की 5,000, M2 की भी 5,000, M3 6 महीने यूज हुआ था तो 6 महीने के हिसाब से, और M3 6 महीने के हिसाब से और M2 पूरे
12 महीने के हिसाब से क्लोज कर देंगे ईयर March 31st बाय बैलेंस कैरेट डाउन. ध्यान क्या देना है, M1 बिक चुका है, M2 और M3 एग्जिस्ट करते हैं बस. M2 का बैलेंस क्या निकलेगा, जब साल शुरू हुआ तो 92,500 था, तो 92,500 माइनस 5,000 तो वैल्यू क्या आ जाएगी 87,500. M3 क्या था, M3 था इस साल खरीदा 2 लाख माइनस 5,000 1,95,000. तो बेटा ये थे 3 साल, उन्होंने क्वेश्चन मांगा है 4 साल का, एक लास्ट ईयर बस करेंगे फिर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन खत्म. 2018-19 एग्जाम में 4 साल का बड़ा रेयरली आता है, बट जानबूझ के मैंने बड़ा क्वेश्चन चूज किया. क्वेश्चन बड़ा होने से बस लेंदी ही होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाता, ठीक है ना, चीजें वही रहेंगी, लॉजिक समझना है हो क्या रहा है. जब साल शुरू हुआ तो अब आपके पास क्या पड़ा हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, M2 बचा हुआ है और M3 बचा हुआ है. M2 की वैल्यू आज के रेट में क्या रह गई है 87,500, M3 की वैल्यू क्या है 95,000, ठीक है. अब इस साल हमने ना तो कोई नया एसेट खरीदा ना ही कोई एसेट बेचा, बट एसेट यूज तो हुआ होगा. तो मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन M2 M3. अब M2 की बतेरी बार आप कैलकुलेशन कर चुके हो, 1 लाख का एसेट था, 5% हो जाएगा 5,000. M2 M3 2 लाख का खरीदा था, 2 लाख का 5% होता है 10,000, तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई 15,000. जब साल खत्म होगा हो ही गया, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन M2 M3. M2 की वैल्यू क्या है 87,500 माइनस 5,000 और M3 की क्या है 195 माइनस 10,000 185. तो क्लोजिंग बैलेंस क्या है 2,67,500. टोटल कर देते हैं इस साल का भी और पिछले साल का भी. लेंदी तो बेटा होता है डेप्रिसिएशन, बस कंसंट्रेशन बनाए रखना. एक सेकंड, ये अच्छा हुआ टोटल करा. इसमें हमने क्या खाया 6250. एक सेकंड, वो एक्चुअली 5,17,500, ठीक है. 4 साल का मांगा था, 4 साल हो गए खत्म. जब भी 4 साल का मांगा हो तो बस 5th ईयर तक ना उसको कैरी फॉरवर्ड करके दिखा देना चाहिए, परफेक्ट प्रेजेंटेशन वो रहती है तब तक अगर जिंदा बचे हो तो. 2018-19 के बाद 1920 आया, बस यहाँ पे लिख देना चाहिए April 1, 2 बैलेंस BD. क्या क्या बचा था, M2 और M3. M2 का बैलेंस क्या था, M2 का बैलेंस था 82,500 और M3 का बैलेंस था 1,85,000. तो इतने का आपके पास 4 साल के बाद एसेट पड़ा हुआ था. तो इस चैप्टर का पर्पस यही है कि आपके पास मल्टीपल एसेट्स हैं, कब कब आप एसेट खरीद रहे हो, कब कब आप एसेट बेच रहे हो, एसेट की अकाउंटिंग कैसे करनी है वो सिखा रहे हैं. ओके, शेयर करूंगा आपके साथ अभी. आराम से ध्यान से क्वेश्चन को रीड करके कॉपी करना, पहले वो लॉजिक समझना. लॉजिक समझ आ गया तो अकाउंटिंग फॉर्म में कैसे दिखाना है वो बेसिक अकाउंटिंग है, लेकिन लॉजिक समझ आएगा तो सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं. आराम से ध्यान से कैलकुलेट करके करना. ओके, बाकी डिस्कशंस बाद में. Thank you.